Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का मेरा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियाँ. ठीक है, वैसे तो मैं हिमाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में अलग से मैप में करवाऊँगी, पर पहले आप इन चोटियों के बारे में आप देख लीजिए. ठीक है, देखिए ये मैंने क्रम लिखा है, लेकिन ये क्रम ऐसा नहीं है कि हाँ पहली चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में लिख दिया और फिर जो सबसे कम वाली है उसको लास्ट में लिख दिया. ऐसे नहीं लिखा है. मैंने जब पहले जिले करवाए थे तब मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई थी कि हर चीज़ को याद करने का एक सीक्वेंस होता है. ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ा हो उसी सीक्वेंस में आपको करना चाहिए. और मोर ओवर कि मैंने ये चीज़ बताई थी कि जिलों को याद कैसे किया जाता, तो जिलों को याद करने का ये तरीका था कि आप 12 के 12 जिले आसानी से याद रख सकते हैं. ऐसे चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, ठीक है, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर ऊना बिलासपुर, ठीक है, या फिर बिलासपुर ऊना हमीरपुर जैसे भी, और ट्रिपल एस यानी कि शिमला सोलन सिरमौर. ठीक है, इस तरीके से आप हमेशा याद रख सकते हैं जहाँ से आपको ये जो मंडी कुल्लू मैंने भी इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे मध्य में आते हैं ये जिले. चलिए ठीक है, ये बता चुकी हूँ मैं पहले. चलिए इसी सीक्वेंस से हम लोग कर लेते हैं. चंबा की है पीर पंजाल, कांगड़ा की है हनुमान टिब्बा, लाहौल स्पीति की है मनीरिंग. मनीरिंग जो है वो स्पीति में पड़ती है, ये है ना लाहौल स्पीति का मैप है. ठीक है, तो यहाँ है लाहौल और यहाँ है स्पीति, इस साइड है किन्नौर, इस साइड है शिमला. मैप क्लियर होगा तो पता चल जाएगा कुल्लू, और इस साइड चंबा है, इधर कांगड़ा है. तो जिस तरीके से मैंने बताया था ये उसी तरीके से है, मतलब मैप आप क्लियर करना अपना पहले ना. ठीक है, तो ये लाहौल है और ये स्पीति है. तो मनीरिंग कहाँ पे है? स्पीति में है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी किन्नौर में. किन्नौर में है शीला चोटी जिसकी हाइट है 7025. ये है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी. मंडी की है नागरू, कुल्लू की है देवी वोखरी पिरामिड्स, हमीरपुर की है अवादेवी, ये सबसे छोटी चोटी है हिमाचल प्रदेश की. ठीक है, ऊना की है भारबेन, बिलासपुर बहादुरपुर, शिमला की चांसल चोटी, सोलन माउंट करोल और सिरमौर की है चूड़धार. ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? शिला चोटी. शिला चोटी कहाँ पर है? किन्नौर में पड़ती है. और सबसे छोटी कौन सी है? अवादेवी. अवादेवी की हाइट क्या है? 1100 मीटर, यानी वो हमीरपुर में है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. नेक्स्ट थिंग, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चोटियाँ कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल. पीर पंजाल कहाँ पे है? चंबा में है. ये ज़रूर पूछा जाएगा. एक आपसे ये पूछा जाएगा कि शीला की हाइट कितनी है, ये पूछा जाएगा. मनीरिंग यानी लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मनीरिंग है. किन्नौर और लाहौल स्पीति की जितनी भी आपकी चोटी है वो सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी वो. ठीक है, नागरू इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से इम्पॉर्टेंट है आपकी सिरमौर की चूड़धार. चूड़धार को आप चूड़ चांदनी भी कहते हैं. शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पे, ये इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है और ट्रैक भी है ये एक ना. ठीक है, चोटी और पूछी जाती है वो है चोलांग चोटी. डोंट कन्फ्यूज इट विद द सोलांग चोटी. ठीक है, तो सोलांग इज़ इन कुल्लू. ठीक है, चोलांग कहाँ पे है? चोलांग है कांगड़ा में. ज़रूर पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की सबसे छोटी कौन सी है? चोलांग चोटी है. इसकी हाइट है 3 to 70 meters. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. ठीक है, तो फिलहाल आप अभी इसी पे ध्यान दीजिए. ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शीला. और सबसे कम हाइट वाली कौन सी है? अवादेवी. वो कहाँ पे? हमीरपुर में. और सबसे ऊंची वाली शीला कहाँ पे है? किन्नौर में. शीला जो है उसका जो नाम है वो शी प्लस ला से बना हुआ है. चलिए मैं आगे करवाऊंगी ये सब चीज़ें. होप ये आपको वीडियो ये पसंद आया. ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे. Thank you. Do like and subscribe my channel.